पूर्व नगरपालिका अध्यक्ष अशोक मालवीय का जन्मदिन सेवा दिवस के रूप में मनाया गया। इस दौरान उन्होंने शहर के सरकारी अस्पताल में मरीजों को और वृद्धाश्रम में वृद्धों को फलों का वितरण किया। इस अवसर पर उनके इष्ट मित्रों शुभ चिंतकों ने उनके निवास स्थान पर पहुंचकर उनका मुंह मीठा खिलाकर बधाई प्रेषित की। पूर्व नगर पालिका के अध्यक्ष अशोक मालवीय जी का जन्मदिन, मुझे कहने की कोई आवश्यकता नहीं कि जिन्होंने यहाँ पे विकास के एक नए आयाम लिखे थे और उन कार्यों के कारण महामहिम राष्ट्रपति जी से लगा के मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री और नगरीय प्रशासन मंत्री ऐसे अनेक पुरस्कार जिन्होंने जनता के आशीर्वाद से जीते, मैं उनके दीर्घायु होने की ईश्वर से कामना करता हूँ। भगवान से प्रार्थना करूँगा कि वो स्वस्थ रहे, मस्त रहे, व्यस्त रहे और इसी प्रकार से जरूरतमंदों की, समाज की इसी प्रकार से सेवा करें। अगली बार पगड़ी लेके आना भैया, एक पापा खाना नहीं, दिक्कत आती। जल्दी करो, क्या कर रहा है, जल्दी करो। इससे डबल खिला दो आपको। बिल्कुल
आज हम सबके लाडले नेता इस नगर का नाम गौरवान्वित करने वाले राष्ट्रपति के चार बार पुरस्कृत होने वाले राष्ट्रपति जी के द्वारा ऐसे मेरे अभिन्न मित्र श्री अशोक जी मालवी साहब को जन्मदिन पर बहुत बहुत ढेर सारी बधाई एवं शुभकामना देता हूँ और भगवान महाकाल से ये आशीर्वाद देता हूँ उनके लिए और निवेदन करता हूँ महाकाल भगवान से कि वो इनको अच्छी ऊंचाइयों पे पहुँचाए और ये आए दिन गरीब और असहाय लोगों की सेवा करते रहे, अभी भी कर रहे हैं, चाहे कोविड हुआ या कोविड के पहले ड्रेसिंग ठेकेदार मजदूर हुए, सबके बीच में जाकर उनकी किसी ने सुध ली हो नहीं ली हो, लेकिन हमारे नगर पालिका अध्यक्ष जी ने उनकी भी जो बनी वो सेवा करी और आगे भी इनका मन हर हमेशा रहता है कि मैं गरीब की मदद करूं। भगवान मैं कहता हूँ ईश्वर से कि इनको ऐसी ऊंचाइयों पर जाते रहें और गरीबों की सेवा करते रहें। पूर्व अध्यक्ष अशोक जी मालवी का जन्मदिन और आगरा नगर पालिका का पूरे भारत में राष्ट्रपति द्वारा अवार्ड जो प्राप्त किया है हमारे नगर पालिका अध्यक्ष ने, उसके लिए बहुत बहुत बधाई। और आगरा नगर पालिका में इतने विकास कार्य किए तो आज तक किसी अध्यक्ष ने नहीं किया। गरीबों के मसीहा कोविड काल में कोविड हो होली हो इलेक्शन हो और कोरोना काल में गरीब मजदूरों को अनाज वगैरह जो भी देने का काम करा है, इसलिए भगवान महाकाल से प्रार्थना करता हूँ कि हमारे अध्यक्ष जी को बहुत ऊँचाई छुए और जीवन में सफल हर काम अध्यक्ष को जीवन दे। नागदा के लोकप्रिय अध्यक्ष भाई साहब मालवी साहब को जन्मदिन की ढेर सारी बधाई एवं शुभकामनाएं। आज नागदा का जो विकास हुआ चारों तरफ, मतलब राष्ट्रपति जी द्वारा सम्मानित किया गया है अध्यक्ष जी को, और अध्यक्ष जी लगातार इस कार्य को मतलब स्वच्छता से लेकर गरीबों के हर कार्य में सुख दुख में हमेशा साथ रहते हैं। आज भी सक्रियता से इनका कहीं ना कहीं मतलब कुछ ना कुछ करते ही रहते हैं और गरीबों की मदद करते ही रहते हैं। के अध्यक्ष श्री अशोक जी मालवी ने नागदा के अंदर जो स्वच्छता के मामले में हमारे देश में नाम रोशन किया है, चाहे वो संपन्न संभव गार्डन का काम हो, नागदा में सड़क निर्माण का कार्य हो, नागदा में बीपीएल परिवार की अगर चिंता की हो, संबल योजना में हितग्राहियों को लाभ पहुंचाने का काम किया, और ऐसे यशस्वी नगर पालिका अध्यक्ष श्री मालवी जी के दीर्घायु आयु की हम कामना करते हैं और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि ऐसी आप गरीबों और जरूरतमंद लोगों की सेवा करता रहे। जय भारत जय हिंद। धर्मेश जी आया।
पहले पीना दो यार भैया। इधर देख, इधर आओ ना। आ जाओ सब लोग एक साथ। हेलो, आप ना आ रहे नींद में सोए हो? दीजिए भाई साहब। पहले खाना है ठीक है, तबियत तबियत ठीक है आपकी? बढ़िया, जाओ ठीक है। प्रणाम प्रणाम भाई साहब, बड़े भैया प्रणाम भाई साहब। मैंने ही भेजा था ना यार आपको, फिर किसने भेजा था? कहाँ रहते हो आप? आज रोज से जब मेरे पास सूचना ही तो मैंने ही तो भिजवाया था आपको यहाँ। कमल जी का आज मेरे जन्मदिवस के अवसर पर, आज इस जन्म दिवस को सेवा दिवस के रूप में मनाने के लिए समस्त मेरे वरिष्ठ ज्येष्ठ श्रेष्ठ आशीर्वाददाता, मेरे प्रमुख मित्रगण, कार्यकर्तागण, समस्त व्यापारिक संगठनों के प्रमुख अध्यक्षगण और ऐसे वे सभी मेरे स्नेही प्रेमी जिनका लगातार प्रेम और आशीर्वाद मुझे नई ऊर्जा देता है और मैं फिर समाज में कुछ अच्छा करने के उद्देश्य से, समाज सेवा के भाव से फिर नागदा नगर की जनता को समर्पण की भाव से समाज सेवा में मैं फिर से अग्रसर हो जाता हूँ। ऐसा उन सभी
मित्रों का, भाइयों का, आशीर्वाद दाताओं का मैं हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ, जिन्होंने मेरे जन्मदिन दिवस के अवसर पर मुझे नई ऊर्जा देकर इस जन्मदिन को यादगार सेवा दिवस के रूप में मनाने के लिए अपनी पूरी मित्रतापूर्ण, अपने पूरे प्रेम और स्नेह से इस जन्मदिन को, आज के जन्मदिन को आप सब ने यादगार पल के रूप में मुझे समर्पित किया है। आप सबका मैं हृदय की गहराइयों से आभार करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। जैसा कि हर एक व्यक्ति के साथ में उसके समाज के लोग और वो व्यक्ति, वो संस्था के लोग, वो आशीर्वाद दाता जो प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से लगातार कार्य करने में ऊर्जा देते हैं, उन सभी का हृदय की गहराइयों से एक बार पुनः मैं आभार करता हूँ। मीडिया के मेरे समस्त कर्मचारी, समस्त साथियों का, मेरे भाइयों का हृदय की गहराइयों से आभार व्यक्त करता हूँ। आप लगातार मुझे नए कार्य करने की प्रेरणा देते हैं। आप सबके उत्साह और हौसला वर्धन से ही आज मैं नागदा नगर की जनता की सेवा करता कर पाया हूँ, आगे भी करता रहूँगा। आप सभी को पुनः मेरी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद और आभार करता हूँ। धन्यवाद जी। जय भारत जी।